काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया रेक्टिलिनियर मोशंस, बेसिक्स आइडिया डिस्कस किया, मोशन अंडर ग्रेविटी, रेक्टिलिनियर मोशन का स्पेशल केस डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टू ग्राफ। हालांकि ग्राफ ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में, बहुत सारे सवाल ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो एक सिस्टमेटिक वे में हम अभी काइनेमेटिक्स के लिए ग्राफ डिस्कस करेंगे। सो ग्राफ फॉर काइनेमेटिक्स एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। जब बच्चों ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ एक वेरिएबल होता है जिसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, दूसरा वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों सपोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ में, ओवरऑल शायद हमने काइनेमेटिक सॉरी कैलकुलस पढ़ा दिया है, उसमें भी थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस किया है, बहुत बेसिक्स एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे, y एक्सिस पे y। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये y इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप कहलाता है थीटा, अगर सपोज y इज इक्वल टू सम ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा पैराबोला। पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, सो y विल बी जीरो, सो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर x डबल करोगे बच्चों तो y कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा, y ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसा हो, बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे लेता हूं x इज इक्वल टू समथिंग सम कॉन्स्टेंट इंटू वाई स्क्वायर, सो इसका ग्राफ कैन यू से दैट कैसा होगा बच्चों, इसका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब हम पढ़ा दिए तो वो तो आइडिया है, बट ये शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। एक और ग्राफ ले रहा हूं, y into x is equal to constant, so x into y is equal to constant कुछ होगा बच्चों, जब x छोटा होगा तो y को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ाओगे y घटेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है बच्चों, इस टाइप के ग्राफ को ना बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये चीज हेल्प करेगा तुम्हें जब तुम अभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे गैसेस इक्वेशंस, वहां भी सर बताएंगे। सो x into y is equal to constant का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड, ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस के अबाउट एसिम्प्टोट्स है और x एक्सिस के अबाउट भी एसिम्प्टोट्स है, ठीक है।
इसका मतलब हुआ कि जब एक्स बहुत बड़ा करोगे तो वाई बहुत छोटा होगा. से वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एज एक्स इंक्रीजेज वाई विल डिक्रीज. तो एक्स बड़ा करते जा रहे हैं, वाई घट रहा. चलो कुछ डाउट है पूछ. अभी जे बैच में मैं पढ़ाने वाला भी हूँ. सो यहां बच्चों हमें ग्राफ से ड्रॉ करना है, काइनेमेटिक्स से ड्रॉ करना है. किस किस टाइप का ग्राफ होगा? तो एक होगा बच्चों पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है ना. करने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है. सपोज दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है, ये बता रहा है कि इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन इतना है, इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन इतना है. इफ द ग्राफ इज गिवन यू कैन फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम. क्लियर? इसको बोलेंगे एस वर्सेस टी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. बहुत माइन्यूट डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और पोजीशन वर्सेस टाइम में. वी विल एक्सप्लेन दिस. और क्या पढ़ेंगे बच्चों? और कैसा ग्राफ होगा? एक एक्सिस पे वेलोसिटी रखेंगे और दूसरे एक्सिस पे टाइम रखेंगे कि अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है. फिर और कैसा ग्राफ होगा? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है. जैसे अगर मैं कोई ग्राफ ले लूं, ऐसा दे दिया बच्चों, ये ग्राफ से तुम क्या कहोगे? पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विद द टाइम या वेरिएबल है? ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया. अभिषेक गुप्ता क्या कमेंट करेंगे? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना. अगर सपोज मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, क्या प्रेडिक्ट करोगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिक्रीज हो रहा है टाइम या इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसे दिया हुआ है तो कहेंगे t इक्वल टू 0 पे इतना वेलोसिटी है, किसी टाइम पे इतना है, कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, है ना. ठीक, मान लो ऐसा दिया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज t1, दिस इज t2 और दिस इज t3. पूछा जाए इन विच इंटरवल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, किस इंटरवल में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो रहा. देखो अभी कुछ नहीं पढ़ाया, फिर भी तुम लोग कैपेबल हो आंसर करने के लिए. आयुष गलत आंसर है. किस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस? कहोगे सर t1 से t2 टाइम में इंक्रीज कर रहा, 0 से t1 टाइम में डिक्रीज कर रहा और t2 टू t3 टाइम में कांस्टेंट. बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट. तो देखो बिना मैं कुछ पढ़ाए हुए तुम लोग ऐसे समझ लिए, मतलब ग्राफ अगर दिया हुआ तो तुम बहुत अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर सकते हो बच्चों. और मैंने अभी थोड़ी देर में सिर्फ ये हिंट दिया कि अभी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, और हम
इससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, वी विल सी दिस, क्या निकाल सकते हैं वो बताएं। सो बच्चों पहला ही ग्राफ ले रहा हूं मैं, लिखो नोट डाउन करते जाना, पहला पोजीशन वर्सेस टाइम। बच्चे इसमें स्लोप क्या बताएगा, स्लोप टू द कर्व। अगर सर स्लोप एस वर्सेस टी है तो डीएस बाई डी टी को करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। एस वर्सेस टी ग्राफ में डीएस बाई डी टी को स्लोप कहते हैं कर्व का, और डीएस बाई डी टी को हमने कुछ डिफाइन किया है बच्चों, इसको हमने क्या कहा है, वेलोसिटी। देखो हमें कुछ रट्टा नहीं मारना है। अब ये स्टेटमेंट को समझो कि क्या मैं सही लिख रहा हूं, इन एस वर्सेस टी ग्राफ स्लोप टू द कर्व gives velocity, am I right बच्चों? S versus T graph में slope क्या देगा? Velocity देगा। क्या इसको रट्टा मारना या समझ में आ गया, याद रह जाएगा? याद रहेगा सर। याद रह जाएगा यार, slope ds by dt को बोलते हैं। हाँ, जो बच्चे अभी कैलकुलस नहीं देखे हैं तो उनको दिक्कत होगी, बच्चों मैं बता रहा हूँ हमारे तो जे बैच में भी कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी, सब बता दिए। अच्छा इस पर्टिकुलर ग्राफ में, फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है विद द टाइम? कैन यू फाइंड इंक्रीज? कहोगे सर इस पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो इसका स्लोप होगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है तो ये स्लोप है, इस पॉइंट पे और स्लोप ज्यादा है, ये थीटा वन थीटा टू ज्यादा है, थीटा थ्री और ज्यादा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, कहीं इस पर्टिकुलर ग्राफ में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ये ग्राफ है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है वर्सेस टी, यहां का स्लोप यहां का स्लोप यहां का स्लोप सब सेम ही है, तो क्या कहेंगे यहां पे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एम आई राइट? तो बच्चों पढ़ लिया, एस वर्सेस टी ग्राफ गिव्स स्लोप of S versus T graph gives velocity. So एक सवाल ले लेते हैं बच्चों, इससे पहले एक और चीज बताते हैं, ये मिसकंसेप्शन है, बच्चे कुछ सोचते हैं कि एस वर्सेस टी ग्राफ है पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, बच्चों ये पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा, ये सिर्फ बता रहा है कि इस टाइम में पार्टिकल का पोजीशन ये है, इस टाइम में पार्टिकल का पोजीशन ये है, और ये भी बता रहा हूं हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ फॉर वन डायमेंशनल ग्राफ फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। सो पार्टिकल का मोशन कैसा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। So in S versus T graph, the curve does not show path of the particle. ये लिख लेना है यहाँ पे, note. क्या कह रहा हूँ?
ये ऐसे पार्ट के जा रहा है, ऐसा नहीं है। एस वर्सेस टी कर्व इज नॉट पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो ये बहुत मजा आएगा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे सवाल भी होते हैं। अच्छा ग्राफ ड्रॉ किया है, 0, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 16 सेकेंड, यहाँ पे 24, 20, ठीक है बच्चों। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, एक एक बच्चे से पूछूंगा, जवाब देना है। पहला सवाल, इन विच टाइम इंटरवल पार्टिकल इज एट रेस्ट। कौन बताएगा किस टाइम टेबल में पार्टिकल रेस्ट में है बच्चों? शनयुजा, तनिषा ने सही सही बताया, और कोई? लोकेश गलत बात, गलत आंसर है। आयुष तो महा गलत ही आंसर दिया यार, मैंने बोला पार्टिकल रेस्ट में किस डिस्टेंस में है। यश शावंत करेक्ट, अर्चित करेक्ट। मुझे कितना आसान सा है, रेस्ट का मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। देखो ये 20 पे कांस्टेंट है बच्चों, किस इंटरवल में? यहां। या दूसरी बात करोगे जहां पे स्लोप जीरो है, तो स्लोप यहां पे जीरो कर, है ना? 8 सेकेंड नहीं, 8 सेकेंड से लेकर के 12 सेकेंड के बीच हर पॉइंट पे स्लोप जीरो है, ये रेस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने लिखा भी इन विच टाइम इंटरवल, देखो मैंने सवाल में भी लिखा है, सो जाएगा टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड टू 12 सेकेंड। दूसरा सवाल बच्चों, इन विच टाइम इंटरवल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, In which time interval velocity is negative? बच्चों जवाब होगा
6 से 8 सेकेंड एज वेल एज 12 टू 16 सेकेंड दो इंटरवल है। इतना सब सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। तीसरा सवाल, व्हाट इज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। बच्चों मैं अगर पूछूं कि टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा या टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछता 1 सेकेंड पे पूछता, सबका आंसर सेम होता, क्योंकि इस इंटरवल में जो भी है स्लोप कांस्टेंट है, इसी लाइन का स्लोप है। ना सो आंसर क्या आ जाएगा, स्लोप। बच्चों यहां पे पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, 24 अपॉन 6, दिस अपॉन दिस, 24 मीटर 6 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अभिषेक ने बता दिया था आंसर, और किसी ने बताया, कौशल ने बताया, और किसी ने बताया, दो बच्चों ने बता दिया सर। सर प्लीज वो सेकंड फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा वाला, सर सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा कि नेगेटिव किधर है, तो स्लोप किसमें नेगेटिव है बच्चों, ये वाला पार्ट में, और किसमें नेगेटिव है, ये पार्ट में स्लोप। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मोर देन 90, इसलिए स्लोप नेगेटिव है। चौथा सवाल, व्हाट इज वेलोसिटी एट 7 सेकेंड। बच्चों 7 सेकेंड पे जो वेलोसिटी पूछा या 7.5 पे पूछता या एनी टाइम बिटवीन 6 to 8, इस लाइन का स्लोप, और ये स्लोप देखो ये नेगेटिव है, ये एंगल लेंगे बच्चों, अगर ये 5 है ठीक है ना, tan 5 हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, निगेटिव ऑफ इस एंगल, तो इसका स्लोप निकाल लो, दिस अपॉन दिस, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इस ये एंगल लेना है तो माइनस ऑफ दिस, तो स्लोप विल बी, शायद मैं अच्छे से नहीं समझा पाया, ये मान लो अगर फॉर द टाइम बीइंग थीटा कहें तो टैन 5 जो है ना माइनस ऑफ टैन थीटा हो जाएगा। और कैसे, थीटा हो जाएगा पाई माइनस फाइव, 180 माइनस फाइव, तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये है 2, सो माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो इसको, 24 से 20 हो गया बच्चों फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ऐसे भी कर सकते हैं। पांचवा सवाल, वेलोसिटी एट 15 सेकेंड,
सर इस लाइन का स्लोप तो ये tan phi है, तो ये जो एंगल आएगा उसका माइनस साइन लगा देंगे, तो दिस अपॉन दिस क्या जाएगा बच्चों 20 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 और what is average sir? What is displacement in t is equal to 0 to 16 second? बच्चों लिखते जाओ, बहुत ही आसान से सवाल है, समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है तुम्हें समझ में आ जाएगा। t is equal to 0 to 16 second बच्चों, यहाँ 0 position था और last में भी 0 था, is it answer 0? अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल क्या हो जाता आंसर बच्चों, इल्म क्या होगा आंसर एवरेज वेलोसिटी? तो ये सब डिस्प्लेसमेंट जीरो था, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, बात है जीरो। यस एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल नोटबुक पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा बताता है एवरेज स्पीड? ये थोड़ा दिमाग वाला है, ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत बढ़िया आर्य जोशी, उससे पहले अभिषेक, तनिषा, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके मोशन को थोड़ा समझते हैं सर, इसको समझो। यहाँ पे आयुष जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया था 4 मीटर पर सेकेंड, 0 से 6 तक, तो यहाँ चला 4 मीटर से चलना 6 सेकेंड तक चला। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर वापस आया कितने देर तक, 8 सेकंड तक, 2 सेकंड और वापस आया। यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव हो गया बच्चों, पहले पॉजिटिव था इधर जा रहा था, फिर निगेटिव हो गया इधर आया, फिर थोड़ा देर आराम किया बच्चों, 12 सेकंड तक यहीं बैठा रहा, थक गया वो, और 12 सेकंड के बाद फिर से वापस इधर ही चला, निगेटिव वेलोसिटी, फिर से यहाँ आ गया बच्चों। ये पोजीशन था 24 मीटर, 24 गया, 24 वापस आया, तो कितना हो जाएगा बच्चों 48, टोटल डिस्टेंस चला 48, टोटल टाइम कितना लिया 16 सेकेंड, तो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, देयर इज नो डाउट। अनुष्का बोरा ने सॉल्व कर ली, बोलो आयुष सर। वो t is equal to 7 सेकंड सर सबसे पहले बताया था ना, वो फिर एक बार बता दीजिए ना सर, मैं 5 मिनट से डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा कांसेप्ट नहीं समझा, फिर से बोलो सर। वो t is equal to sorry velocity at 7 seconds और उसके पहले का वो t is equal to 5 सेकंड। ये अगर ग्राफ है एस वर्सेस टी ग्राफ में, इसका स्लोप बताता है वेलोसिटी, स्लोप का मतलब हुआ टैन थीटा, टैन थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, बस ये था 24 और ये था 6, तो 24 अपॉन 6 ठीक। उसके बाद था ऐसा, इसका इसका स्लोप निगेटिव, बच्चों एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है,
तो ये जो स्लोप लोगे ना, तो ये एंगल ले लो थीटा, टैन थीटा का निगेटिव कर लोगे, यही इसका स्लोप होगा। सो दिस बाय दिस कर लो और माइनस साइन लगा दो, दिस विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है सर, मतलब जो ऑपोजिट एंगल होगा वही माइनस के लिए कंसीडर होगा। हाँ बच्चों, एस वर्सेस टी लिया, नेक्स्ट वी वर्सेस टी। अच्छा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, तो देखते हैं यहां पे स्लोप किसको कहेंगे। वी वर्सेस टी, और इसको क्या नाम दिया है, एक्सेलरेशन। तो क्या हमें रट्टा मारना पड़ेगा बच्चों कि v वर्सेस t ग्राफ में स्लोप टू द कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, रट्टा मारना पड़ेगा, ये ध्यान में रह जाएगा। इन v वर्सेस t ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व gives acceleration, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि सर v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी, ds को लिख सकते हैं बच्चों v इंटू डी टी, और ये बच्चे उनको पता चलेगा जो पहले से पढ़े कैलकुलस, जो नहीं पढ़े उनको नहीं समझ में आएगा, बस लिख लेना ds is equal to v dt. ds is a small displacement in time dt. यही हो गया v dt. इसको इंटीग्रेट करेंगे, that means total displacement. है ना? तो v dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, displacement. बच्चों v वर्सेस t ग्राफ में v dt का इंटीग्रेशन y dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, किसी को याद है? ऐसे बताया था, एरिया अंडर द कर्व, एरिया। दैट मींस यहां भी v dt का इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे बच्चों, ये है एरिया अंडर कर्व। इसको अगर ग्राफ से देखेंगे तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और ग्राफ पे परपेंडिकुलर ऐसे लेंगे, टाइम एक्सिस पे लेंगे, ये वाला एरिया नहीं, टाइम एक्सिस पे एरिया। सो दिस एरिया, तो ये भी रट्टा मारने की जरूरत है क्या, एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, किसका, v वर्सेस t ग्राफ का। लिख लो बच्चों ये दोनों पॉइंट। तो दो चीजें हमने पढ़ लिया, अब एक सवाल ले लेते हैं। तो ग्राफ पे सवाल बहुत होते हैं, समझना अंडरस्टैंडिंग है, और बच्चे बात परेशान होते हैं क्योंकि ग्राफ बहुत आसान है। v वर्सेस t ग्राफ ले रहा हूं मैं, और एक ही ग्राफ में सारा कंसेप्ट सिखा दूं।
बच्चों ये v वर्सेस t का ग्राफ लिया, चूंकि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो तुम डायरेक्टली थोड़े अच्छे सवाल पे आ जाते हैं। मुझे बताना बच्चों कि इसमें पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो कब है, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। आयुष यस सर, व्हेन इट विल बी एट द लोअर। किस समय जीरो है? At 2 meter per second. बच्चों velocity zero कब है? तो 15 second पे। मैं पूछूं velocity t is equal to zero पे कितना है? तो अगर sir 2 meter per second, t is equal to 10 second पे कितना है? 8 meter per second. तो पहला सवाल। Find velocity at t is equal to 5 second and at t is equal to 12 second. फाइव सेकेंड में वेलोसिटी क्या है? दैट मीन्स मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये फाइव अगर है तो ये कितना है ये पूछ रहा हूँ, ये अगर ट्वेल्व है तो ये कितना है ये पूछ रहा हूँ। तुम कहोगे सर अगर सपोज ये ना ये v है, v1 है सपोज, देखना सिंपल सा, इफ दिस इज v1 सो दिस विल बी v1 माइनस 2 दिस वन। सो इस लाइन का स्लोप अगर यहां से देखें तो दिस अपॉन दिस ये पूरे लाइन का स्लोप इक्वल होगा, सो दिस इज 8 - 2 = 6/10। सो v1 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? So v1 is equal to 5 meter per second. सही लिखा क्या? Similarly, कौन सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा velocity at 12 second कैसे निकाले? v1 मैंने बता दिया। सर ये फिर से बता दीजिए ना। आयुष तू समझता नहीं एक ही बार में कभी। यू शुड शिफ्ट इन बैच 2 जे बैच। इस बैच में दिक्कत होगा आयुष, मैं कह रहा हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। सर मैं पहले से कम 10 से 12 बार डिस्कनेक्ट हो गया सर अब तक। अभी तो अब क्या करोगे? उस बैच में मैं दोबारा दोबारा करूंगा, इस बैच को मुझे पास ले जाना है, ठीक है? यस सर, सॉरी सर। दिक्कत होगा तुझे और तो बीच नहीं पढ़ा शुरुआत में, इसलिए यू विल फाइंड डिफिकल्टी। फिर क्या होगा, कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। और वो बैच तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बैच खराब है और ये बैच अच्छा है, ऐसा कुछ फीलिंग है क्या तुझे? नहीं सर, वैसे नहीं कुछ। तो फिर वो बैच ज्यादा अच्छा है, वहां पर तुम्हारा तुम्हारे जैसे डाउट्स पूछने वाले बहुत सारे हैं, तो वहां पे मैं डाउट्स लूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, इन लोगों को 4 क्लास लेंगे, उन लोगों में 6 क्लास लेंगे पर भी, ठीक है?
चलो अगर मैंने पूछा यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 12 सेकेंड, सेकंड पर वेलोसिटी आए उस निकालना है, तो देखो मुझे ये निकालना है, ये yes. जैसा यहां पे था वही से फिर से दोबारा बता रहा हूं, सेकंड अब ये निकालना है, तो देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में टाइम थीटा अगर लिखे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल से लिखे या इस छोटे वाले से लिखे सेम ही होगा, या सिमिलर ट्रायंगल से भी कह सकते हो, सिमिलरिटी से भी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये सपोज v2 है, सो v2 अपॉन व्हाट विल बी दिस, 15 माइनस 12 3, दिस इज इक्वल टू this upon this, what is this, 8 upon 5, this implies v2 is equal to 8 into 3 upon 5, that is equal to 4.8 meter per second. Yes sir. अभी आयुष क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड इस पर्टिकुलर ग्राफ में? तुम कहोगे सर आप 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछो, या 2 सेकंड पे, या 8 सेकंड पे, या एनी टाइम बिटवीन 0 टू 10, इस लाइन का स्लोप जो बताएगा वो बताएगा एक्सेलरेशन। हर पॉइंट पे तो स्लोप सेम ही है, कितना है स्लोप, 6 अपॉन 10। That is equal to 0.6 meter per second square, because 6 meter per second upon 10 second. Next, ये suppose दूसरा सवाल था, तीसरा सवाल, which is displacement in t is equal to 0 to 10 second. What is the displacement t is equal to 0 to 10 second? मैं ग्राफ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज इसमें लिख दिया था इसलिए, और तब तक तुम अपने नोटबुक से निकालो कितना होगा। मतलब जब मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो क्या कहोगे, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालने आता है तुम्हें, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों, ये तो तुम लोग जानते हो, हाफ इंटू
क्वाड्रेट साइड का समेशन 2+8 हाफ इंटू पैरेलल साइड का समेशन इंटू परपेंडिकुलर हो जाएगा 10। इसको कोई ऐसे भी कर सकता है कि सर दिस इज द रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, यू कैन सॉल्व इन दिस वे आल्सो। तो चौथा सवाल, डिस्प्लेसमेंट इन इज इक्वल टू 0 to 15 seconds बच्चों, तो ये एरिया निकालना मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 प्लस, ऑलरेडी निकाल चुके इसलिए 50 डायरेक्टली लिख दिया, प्लस दिस एरिया हाफ इंटू ये ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, कितना जाएगा बच्चों 20, दैट मीन 70 मीटर। पांचवा सवाल, वेलोसिटी एट 18 सेकेंड मतलब ये वेलोसिटी क्या है, ये माइनस V3 लिख रहे हैं, ये कितना है ये वाला, और यही स्ट्रेट लाइन मैंने बढ़ाया बच्चों, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, इफ यू राइट थीटा फ्रॉम हियर तो tan थीटा हो जाएगा 8/ व्हाट इज दिस, दिस इज 5 और ये है बच्चों ये है 3 और ये है V3, सो V3 हो जाएगा 24/5। बच्चों नेक्स्ट क्या था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकल गया तो हमने ये चीज कर लिया। अब एक और चीज बताता हूं, अगर कोई पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 0 to 18 seconds बच्चों यहां तक का एरिया लेना, ये पूरा एरिया और ये भी एरिया, लेकिन दिस एरिया विल बी नेगेटिव बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव। बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, यही पे कांसेप्ट बता रहा हूं सवाल में ही, लिख लेना एक्स एक्स टाइम एक्सिस से ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव लेंगे और ये एरिया निगेटिव लेंगे। ओके, फॉर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज पार्टिकल का मोशन अगर देखें तो कैसा मोशन हुआ है देखना बच्चों, टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, पहले वेलोसिटी बढ़ रहा था इधर जा रहा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 10 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ा है पॉजिटिव है, इसके आगे वेलोसिटी कम हुआ है बट है पॉजिटिव, सो इट स्टिल गोज ऑन आगे जाएगा आगे जाएगा, और टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो गया 0 और 15 सेकंड के बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया बच्चों, तो ये वापस आना शुरू हुआ वापस इधर और 18 सेकंड पे कहीं यहाँ पे है। इफ आई आस्क यू डिस्प्लेसमेंट बच्चों, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट, मतलब दिस एरिया
दिस होल एरिया दिस और ये एरिया इतना नेगेटिव है बच्चों की ये आ जाएगा. बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल, सारे बच्चे कंसेप्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्टेंस ट्रेवल. इन t इज इक्वल टू 0 टू 18 सेकेंड. अगर ये एरिया सपोज A1 है, ये वाला एरिया A1 है और ये एरिया A2 है अगर सपोज मैग्नीट्यूड में, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा बच्चों A1 प्लस A2. Am I right? Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों A1 और ये नेगेटिव में माइनस A2. Is it clear to all? अनुष्का बोरा, हर्षित, आर्य जोशी. यस सर. वी वर्सेस टी ग्राफ प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे और साइन के साथ ऐड करेंगे. लेकिन अगर डिस्टेंस टेबल पूछा जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव हुआ पीछे आया, बट हमें तो ऐड ही करना है डिस्टेंस टेबल में, तो ये ऐड हो जाएगा. क्लियर? तो मैंने ये कंसेप्ट सिखा दिया. बच्चों डीपीपी करते रहना, डीपीपी मैंने 5-5 का दिया है, आई होप कि इस वीक में 10 कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा. कंटिन्यू रखना जब तक कि वेक्टर्स के डीपीपी हो जाए, फिर काइनेमेटिक्स का शुरू हो जाए, फिर डिस्कशंस भी लूंगा. काइनेमेटिक्स के बाद थोड़े से सवाल अच्छे अच्छे आने लगेंगे, इसके पहले सब बेसिक होंगे. बच्चों नेक्स्ट क्या पढ़ना है? एक्सलेशन वर्सेस टाइम. बच्चों एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ किया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक्सलेशन है. एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0 सपोज. बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है? इज देयर एनी टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट? 0 टू T3? एनीवन? T1 टू T3. ध्यान से देखिए वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है? नो सर, नो कांस्टेंट. किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. आशीष ने बताया और भी बच्चों ने मैसेज किया, बहुत बढ़िया. कंफ्यूजन ये होता है कि T1 से T2 में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है. नहीं बच्चों, एक्सलेशन कांस्टेंट है इस इंटरवल में और एक्सलेशन 0 नहीं है. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सलेशन 0. क्या किसी इंटरवल में एक्सलेशन 0 है? ओके, नहीं. वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, पूरे इंटरवल में इंक्रीज करेगा. बच्चे यहां पे गलती करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं. मैं पूछता हूं वेलोसिटी किस इंटरवल में घट रहा है?
डिक्रीज कर रहा है तो बच्चे बोलते हैं जीरो से टी वन में, गलत आंसर, एक्सलेशन घट रहा है बच्चों। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी का जो रेट है बढ़ने का वो घट रहा है। सपोज एक सेकेंड में इनिशियली वो 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ा, दूसरे सेकेंड में वो हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड से ही एक्सलेशन बढ़ेगा, सॉरी वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ही बिकॉज एक्सलेशन क्या है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सो देयर इज नो इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, क्लियर? अब बताते हैं बच्चों, ए इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी टी, है ना? और बच्चों यहां से ए डी टी क्या कहलाएगा बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ, एंड व्हाट इज दिस, डीवी का इंटीग्रेशन बच्चों वी, और यहां पे कुछ लिमिट देंगे जो भी रहेगा टी टू जीरो या टी वन से टी टू तक, यहां भी रहेगा बच्चों वी वन से वी टू तक, यह हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो बच्चों एरिया अंडर द एटी कर्व क्या देगा बच्चों, अगर कॉलेज वाले स्कूल वाले में पढ़ोगे ना तो वो बताते हैं वेलोसिटी देता है, एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, नोट इट डाउन, क्या बताएगा, ध्यान देना, वेलोसिटी नहीं, क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी कर्व। कोई कह रहा सर पिछले लैब में तो नहीं आपने लिखा था, वहां भी तो एरिया अंडर द वी वर्सेस टी ग्राफ था, उसमें तो कुछ नहीं बताया, उसमें मैंने बताया एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, चेंज इन पोजिशन वेक्टर, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, वहां भी था चेंज, लेकिन उसी को हम क्या बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व, चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों ये नोट डाउन कर लो, लिख लो अपने नोटबुक में, लिख लिया आयुष, ये पूरा लिख लो। यस सर। ये अभी नहीं समझ में आएगा तुझे बिकॉज तूने अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बट लिख लेना। This is A versus T graph.
अच्छा मैंने दे दिया कि a वर्सेस t ग्राफ ये दिया हुआ है और मुझे निकालना वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। कैसे निकालेंगे बच्चों a वर्सेस t ग्राफ में? क्योंकि सर एरिया अंडर द कर्व विल गिव द चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0? If velocity at t is equal to 0 is 0, ये बता रहा हूँ, then velocity t is equal to 5 second पे निकालना। एरिया अंडर द ग्राफ बच्चों ये पूरा एरिया निकालना है, इतना एरिया, तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, सो हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया 2 × 3 8 मीटर पर सेकंड। एम आई राइट? Velocity at t is equal to 8 second, खुद से निकालो बच्चों पूरा एरिया। और जो अच्छे बच्चे हैं बाद में निकलवाऊंगा what is the total displacement, अभी नहीं बाद में करवाऊंगा ऐसे सवाल, ये टफ सवाल हो जाएगा what is total displacement। हमने ग्राफ देख लिया है, अभी तो सिर्फ किसका किसका ग्राफ देखा है, एस वर्सेस टी, वी वर्सेस टी और ए वर्सेस टी। मैं थोड़ा सा स्पेशल केस लेके ग्राफ ड्रॉ करता हूं, थोड़ा फास्ट ड्रॉ करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने समझ लिया है। मैं केस ले रहा हूं बच्चों मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, और कुछ कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन जो है वो है पॉजिटिव, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो पहला ग्राफ ले रहा हूं ए वर्सेस टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है बच्चों, कैसा ग्राफ होगा ए वर्सेस टी ध्यान से देखना, कांस्टेंट है, कुछ ए नॉट यहां रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट। दूसरा ग्राफ ले रहा हूं, दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों v वर्सेस t, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो बच्चों बताना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट a नॉट है और वेलोसिटी लिखना है तो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a नॉट इनटू t हो जाएगा बच्चों, मतलब y इक्वल टू mx का ग्राफ हो जाएगा ऐसा। और ये जो स्लोप है ये थीटा, ये टैन थीटा क्या बताएगा, ए नॉट बताएगा। बच्चों ये क्लियर इस ग्राफ के लिए। और तीसरा ग्राफ, थर्ड ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करेंगे तुम लोग खुद ही बता दोगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कहेगा सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा, मैं यहां पे बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पे हमेशा 0 होगा, सो ग्राफ विल ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही रहेगा,
लेकिन अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा तो वनली डिफरेंस कि t इज इक्वल टू 0 पे हो सकता है पार्टिकल यहां से स्टार्ट करे या हो सकता है x इज इक्वल टू 5 मीटर से स्टार्ट करे। तो अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। t इज इक्वल टू 0 पे उसका x कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन क्या है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग पूरा नेचर सेम रहेगा इसका और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। सो बच्चों डिफरेंस समझ में आया? आर्य जोशी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यस सर। चलो तो यूजुअली मैं हमेशा एक ही जैसा मतलब ट्रीट करूंगा डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का, लेकिन अगर कभी ग्राफ दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा तो जीरो से स्टार्ट होगा। तो बच्चों देखना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं पूछूं s इज इक्वल टू कैसा होगा बच्चों, तो हाफ a नॉट t स्क्वायर पैराबोला होगा। y इज इक्वल टू x स्क्वायर का आज ग्राफ देखा था ऐसा होगा। सारे बच्चे यहां पे ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों। इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या नहीं, वेलोसिटी क्या हो रहा है टाइम के साथ बढ़ रहा है। बच्चों इसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसलिए ये सही है। बट व्हाट अबाउट एट t इक्वल टू 0, ये बुक्स में भी ध्यान से नहीं दिया रहता है। बच्चों t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कैसा होगा ग्राफ का, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है तो t इज इक्वल टू 0 पे s वर्सेस t ग्राफ का स्लोप 0 होगा। सो ग्राफ जो है x एक्सिस को टाइम एक्सिस को टच करते हुए फिर आगे ऊपर जाएगा। ये माइन्यूट डिफरेंस समझना इसलिए टीचर की जरूरत है, ये बुक्स में इतना क्लियरली नहीं लिखा रहता है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं रहता है। तो बच्चों ये ध्यान देना t इक्वल 0 पे वेलोसिटी 0 है, दैट्स व्हाई ये ग्राफ ऐसा होगा। अदरवाइज अभी जस्ट ड्रॉ कर रहा हूं मैं दूसरा ग्राफ, मैं इसी ग्राफ में, तुम लोग दूसरा ड्रॉ करना बच्चों, मैं इसी ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी सम v नॉट पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट है पॉजिटिव, तो बच्चों तुम लोग ड्रॉ करो ए भी पॉजिटिव। तो पहला इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, यही रहेगा, ए नॉट कॉन्स्टेंट है। दूसरा ग्राफ विल चेंज बिकॉज v माइनस यू दैट इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 मतलब v नॉट प्लस 80, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा बच्चों। सो व्हाट विल द ग्राफ, ग्राफ विल बी समवेयर हियर ऐसा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा a नॉट और ये पॉइंट हो जाएगा v नॉट। v वर्सेस t ग्राफ में क्या चेंज आया, क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट होगा। And what will be the difference? ये रहने देता हूं, थर्ड को फिर से ड्रॉ करता हूं तो डिफरेंस समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे s इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी पैराबोला होगा, इसका भी नेचर ऐसा ही होगा एक्सेप्ट स्लोप एट t इज इक्वल टू 0। लुक एट हियर बच्चों, इस पॉइंट पे स्लोप 0 नहीं है, टेंजेंट कुछ ड्रॉ करेंगे यहां पे कुछ है, ये थीटा है, थीटा नॉट, टैन थीटा नॉट की अगर बात करें तो ये u के बराबर होगा, दैट इज v नॉट के बराबर होगा इनिशियल स्लोप।
इफ इट इज गिवन ds / dt वेलोसिटी निकालोगे एक बार निकालो डिफरेंशिएट कर होती है v नॉट प्लस a नॉट t आ जाएगा बच्चों स्लोप t = 0 पे स्लोप v नॉट होगा तो ऐसा होगा बच्चों सो ये डिफरेंस समझो दोनों में IIT ये डिफरेंस दे सकता है बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस तुम खुद से कर सकते हो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो बुकलेट उठाना यहाँ पे ही सवाल होगा कि वी नॉट नेगेटिव है एक्सेशन पॉजिटिव है या वी नॉट पॉजिटिव एक्सेशन नेगेटिव तो कैसा ग्राफ है एवरीथिंग मेंशन इन द बुकलेट हमने हिंट दे दिया करोगे सो बच्चों नेक्स्ट क्लास हम लोग ग्राफ पे और भी क्वेश्चंस कराएंगे पर डिफरेंट लेवल का जाएगा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे अच्छे क्वेश्चंस होंगे है ना और ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा सो आज तुम लोग जाकर के बुकलेट से सवाल सॉल्व करना शुरू कर दो एंड सारे बच्चे एचसी वर्मा खरीद लें आज मैं एचसी वर्मा से भी होमवर्क दूंगा ठीक है